Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Current Affairs Live 2.0 version with me on the morning of 21st August 2017. जी हाँ, एक बार फिर से आप और हम कर रहे हैं दिन की शुरुआत Mahindra Guru के साथ. So let's begin up with the session and let's know upon what are the important headlines for today's session. क्या होंगी ऐसी बातें जिनको करेंगे हम आज डिस्कस, उन सभी पे डालेंगे नजर. लेकिन यस, उन्हीं सारी डिस्कशंस पे जुड़ेंगे आज फिर से जी गुरु हमारे साथ, ताकि उनसे जान सके हम क्या होंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. 21 अगस्त 2017 की सुबह हुई है Mahindra Guru के साथ, आप सब यहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और अपने बाकी सारे के सारे फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कर लीजिए करंट अफेयर्स लाइव 2.0 वर्जन के साथ, बिकॉज ये सेशन इंटरेस्टिंग है, इनोवेटिव है, इंपॉर्टेंट है एंड यस प्रोडक्टिव है, बिकॉज आने वाले एग्जामिनेशंस में हर एक डिटेल करेगी आपका साथ और देगी आपको कहीं ना कहीं एक बूस्ट ऑफ एनर्जी, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर अप कर सके. करंट अफेयर्स लाइव को शुरू करते हैं हम लोग आज की पहली हेडलाइंस के साथ. सो लेट्स लुक अपॉन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट हेडलाइंस एंड फॉर दैट लेट्स लुक अपॉन टू द वेरी फर्स्ट हेडलाइन ऑफ दिस सेशन. निकोलाय कुदाशेव हैज बीन अपॉइंटेड एज रशियाज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया. निकोलाय कुदाशेव को भारत में रूस के लिए नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है. सो यस, यहाँ पे बात हो रही है अपॉइंटमेंट की. वंस अगेन अ वीक इज स्टार्टिंग, सेशन इज स्टार्टिंग एंड अपॉइंटमेंट लिस्ट इज स्टार्टिंग फॉर दिस वीक. होप कल का दिन आपने यूटिलाइज किया होगा सारे के सारे रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर सारे के सारे सेशंस को अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया तो इस हफ्ते के सेशंस भी हो जाएंगे एड ऑन. निकोलाय कुदाशेव के नाम के साथ इस न्यूज हेडलाइन को रखना है याद. क्या क्या होंगे एस्पेक्ट्स उनको जानने के लिए करेंगे स्वागत जी गुरु का इस सेशन में, क्योंकि उन्हीं से हम जान पाएंगे कि क्या होंगे इस न्यूज हेडलाइन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पॉइंट्स और किस तरीके से बन सकता है एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर न्यूज से क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू जे गुरु और जानते हैं उन्हीं से सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड गुड मॉर्निंग इंडिया. देखिए सबसे पहली ही न्यूज आपके सामने जो की है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और अपॉइंटमेंट हुआ है रशिया के एम्बेसडर का इंडिया में निकोलाय कुदाशेव का. दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में फैक्ट जानेंगे कि इससे पहले ये कहां पर अपॉइंट थे. अपॉइंटमेंट में तय करेंगे नाम याद रखेंगे निकोलाय कुदाशेव का, और यहां पर याद रखें निकोलाय कुदाशेव का जो कि रशिया से एम्बेसडर बने इंडिया के लिए. इससे पहले वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में रशिया में. यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बनेगा कि माइक्रोनेशिया और मार्शल आइसलैंड दो कंट्री है वहां के भी रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं रशिया के, और इन्होंने रिप्लेस किया अलेक्जेंडर कदाकिन को. देखिए अलेक्जेंडर कदाकिन की कुछ महीने पहले देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी, इस वजह से ये पद वैकेंट था. यूं कह सकते हैं कि रशिया का एम्बेसडर इंडिया में इनके बाद से कोई नहीं था, इसलिए जो व्लादिमीर पुतिन है दैट इज रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया. एग्जैक्ट नाम याद रखिएगा निकोलाय कुदाशेव. यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बनेगा वो रशिया की कैपिटल दैट इज मॉस्को, करेंसी इज रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पीएम की बात करें दिमित्री मदाकिन. दोस्तों यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर फैक्ट बने अगर बात करें हम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड की करेंसी क्या है, तो दोनों की करेंसी डॉलर है, और यहां पर माइक्रोनेशिया की जो पिलिकर तो कैपिटल बनेगी और मार्शल आइलैंड की बनेगी मजूर. याद रखिएगा पिलिकर इज अ कैपिटल ऑफ द माइक्रोनेशिया एंड मार्शल आइलैंड की बात करें उसकी मजूरो, और दोनों की जो करेंसी है वो डॉलर है. देखिए यहां पर अगर मैं बोलू वेटेज देता हूं कि पर्टिकुलर फैक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी न्यूज आए तो याद रखिएगा उसमें अपॉइंटमेंट हुआ किस पर्सन का है, जिस पद पर हुआ है वो एक तरीके से बोल सकते हैं पद हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज एम्बेसडर. एम्बेसडर मतलब राजदूत. सेकंड थिंग बात करते हैं कि जिस कंट्री में हुआ है वो कंट्री के फैक्ट लर्न करने पड़ेंगे आपको एक स्टैटिक पार्ट में, क्योंकि कैपिटल करेंसी कह सकते हैं प्रेसिडेंट पीएम, यहां से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आता है. देखिए पहली न्यूज और पहली न्यूज अपॉइंटमेंट, और आपके तो चेहरे पर खुशी आ गई होगी भाई सबसे पहली न्यूज अपॉइंटमेंट आ गई, और इससे बड़ा तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि एग्जाम में सबसे आसान रहता है अपॉइंटमेंट लर्न करना. चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ. बिल्कुल बात करें यहाँ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिए. नाम जो याद रखना है आपको दैट इज निकोलाय कुदाशेव, राइट. इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन. आरबीआई इंट्रोड्यूसेस रुपीज 50 बैंक नोट इन महात्मा गांधी सीरीज, एंड दैट इज बेसिकली अ न्यू सीरीज.
भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की नई सीरीज में 50 रुपए का नया नोट प्रारंभ किया। सो यस, अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल डीमोनेटाइजेशन के बाद करेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। 2000 की नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, इसके अलावा 1000 के नोट्स को बंद कर दिया गया, 500 के नोट को नया मॉडिफिकेशन मिला, अब 50 के नोट की बारी है। सो यस, यहाँ पे 50 रुपीज के नोट को इंट्रोड्यूस कर दिया है आरबीआई ने। किस तरीके का ये होगा, किस तरीके का ये दिखेगा, आपको पिक्चर में साफ विजुलाइज हो रहा होगा। इसके अलावा आरबीआई का ये इनिशिएटिव आगे कंटिन्यू रहेगा, किस किस तरीके के इंट्रोडक्शन होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन के फैक्ट की अगर हम बात करें सो यस, वी विल गो अप ऑन टू द जीए गुरु और जानेंगे उन्हीं से कि इस पर्टिकुलर हेडलाइन के क्या होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए 500 का नोट आप देख चुके हैं, नया 2000 का भी देख चुके हैं, वहां पर कलर भी मैंने आपको जब प्रीवियस सेशन रहे थे उसमें शेयर किया था कि 2000 रुपीस के नोट का कलर क्या है, पिंक नहीं है, अधिकतर सभी का आंसर पिंक रहे, दैट इज आंसर है मजेंटा। और 500 रुपीस के नोट की बात करते हैं तो उसका कलर है स्टोन ग्रे। यहां पर बात करेंगे हम 50 रुपीस के कलर की, इवन उसका साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, इवन हम एक बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे टैग करते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत और बात करें नोट कितने का आया, दैट इज 50 रुपीस का आया है। पुराने नोट चलन में रहेंगे, डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ, विमुद्रीकरण नहीं हुआ, याद रखिएगा। नई एक सीरीज आई है, मैम ने अभी आपसे बोला कि 50 रुपीज की नई सीरीज आई है, इट मींस पुरानी सीरीज भी अभी मार्केट में रहेगी। डायमेंशन की बात करते हैं, इसकी साइज की बात करते हैं, दैट इज 66 mm × 135 mm। क्यों यहां पर डायमेंशन मेंशन किया गया, उसका एक रीजन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि 2500 रुपीस के नोट का साइज क्या, इट मींस की साइज भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चौड़ाई रहेगी 66 और लंबाई रहेगी 135। यहां पर बात करते हैं जो महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट है, दैट इज उनका जो चित्र है वो अब तक साइड में होता था नोट के, बट ये रहेगा सेंटर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा ये फैक्ट। और यहां पर बात करते हैं जो अशोका पिलर है, जो अशोक स्तंभ रहता है, आपने देखा होगा कि अशोक स्तंभ का एक तरीके से शेर का एक निशान रहता है, एक उनकी पोर्ट्रेट रहती है, वो आपको महात्मा गांधी उनके जस्ट राइट में मिलेगा। यहां पर एक बात करेंगे कि जैसे कि हम बोल सकते हैं 2000 के नोट पे हम सभी ने देखा था कि मंगलयान था, 500 के नोट पर हम सभी ने देखा था रेड फोर्ट था। यहां पर क्या है कि जो मोटिव है वो हम्पी का रखा गया है, जो कि एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के द्वारा घोषित भी की जा चुकी है, और उस वो किस पर है, एक चेरॉइड पर है, यूं कह सकते हैं आप कि एक मंदिर बनाया गया है जो कि बोल सकते हैं आपकी रथ के आकार का मंदिर है, इसलिए बोला गया हम्पी है वो कि एक चेरॉइड पर बैठे हुए हैं, रथ पर बैठे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम बात करें इसके तो एक स्वच्छ भारत लोगो भी है जो कि अब हर नोट पर है, उसका स्लोगन भी स्पेक्स लगे हुए हैं वहां पर। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए फैक्टर है। और यहां पर एडिशनल बात करें तो जो कलर है वो है फ्लोरोसेंट ब्लू, यूं कह सकते हैं अगर हिंदी में आप समझना चाहें फिरोजी रंग का कलर है, बट एग्जैक्ट याद रखिएगा फ्लोरोसेंट ब्लू इस कलर को भी। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बताएंगे कि आरबीआई के गवर्नर दैट इज उर्जित पटेल, ब्रैकेट में याद रखिएगा एडिशनल 24th, यहां पर जो बात हो रही है उर्जित पटेल की बात हो रही है, रघुराम राजन की जगह ये बने थे गवर्नर और ये 24वें नंबर के गवर्नर बने। इनके कार्यकाल में बहुत कुछ इंडिया को देखने को मिला है, यूं कह सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन देखने को मिला जैसे ही इन्होंने पदभार संभाला, और बहुत सारी चीजें भी बोल सकते हैं कि बैंक्स के ऊपर बहुत सैंक्शन भी लगने लगे, मर्जर भी आपको देखने को मिला है। और एडिशनल बात करते हैं आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, यहां पर 3 मेंशन है क्योंकि अभी एक पद वैकेंट है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई, जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सभी अप्लाई कर सकते हो, मजाक का पार्ट है, अप्लाई ना करिएगा ठीक है। यहां पर बात करते हैं कि 3 गवर्नर कौन है, विभू प्रसाद कानूनगो, वीपी कानूनगो, विरल बी आचार्य और एनएस विश्वनाथन। एग्जैक्ट याद रखिएगा इनके नाम क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट रहता ही है कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के गवर्नर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है तो 4 के नाम दे देता है, 5वां ऑड वन दे देता है, तो वो एलिमिनेट करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा 3 ही डिप्टी गवर्नर के नाम फटाफट से जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और बताइए कि 3 गवर्नर कौन है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने, जैसे आपको टाइप करना है, दैट इज वीपी कानूनगो, विरल बी आचार्य और एनएस विश्वनाथन। तो अधिकतर मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट इसका आंसर दें। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि नई सीरीज लॉन्च हुई है, पुरानी वाली को बंद नहीं किया जाएगा, दैट मींस मार्केट में दोनों के दोनों अवेलेबल होंगी। बट यस, एज वी नो इट वेरी वेल कि नई सीरीज जैसे धीरे धीरे बिल्कुल मार्केट में आ जाएगी, उसी के साथ पुराने नोट्स कहीं ना कहीं दिखने कम भी हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट हेडलाइन। Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited, TriFed, celebrated 19th August as World Honeybee Day.
जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने 19 अगस्त को विश्व हनी बी दिवस मनाया। सो यस, दो बातें निकल के आई हैं। वन अबाउट ट्राइफेड डिस्कशन, बिल्कुल हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जीए गुरु के साथ कि ट्राइफेड क्या है। दूसरी बात जो आपको न्यूज हेडलाइन के थ्रू याद रखनी है डायरेक्टली, दैट इज 19th अगस्त इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हनी बी डे। क्या इसका मोटो है, क्या इसका एम है, किस तरीके से और क्यों इसको मनाया जाता है, उन सारे प्रोस्पेक्ट्स को जीए गुरु क्लियर तो करेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं उन तक पहुंचने से पहले आप एक बात याद रख ले, द डेज फैक्टर, क्योंकि डेज पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होता है। 19th अगस्त वर्ल्ड हनी बी डे, ट्राइफेड ने सेलिब्रेट किया है या ऑब्जर्व किया है, और क्या एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, चलिए पूछते हैं जीए गुरु से। अगर यहाँ पर एक बात करें तो कहीं ना कहीं ये फार्मर से रिलेटेड है कि जो डे बनाया गया है, आपको लग रहा है हनी बी डे जो बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या होगा। बेसिकली मैं आपको अगर एक नट शैल में बताना चाहूं तो अल्टीमेट इसका उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति हनी पे डिपेंड है, हनी बी पे डिपेंड है, उन लोगों को अनएम्प्लॉयड ना हो जाए, वो लोगों को एक तरीके से ये ना हो कि मार्केट से, मैं ये बोल सकते हैं कि कंट्री से अपार्ट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस पर डिपेंडेंसी होती है अगर वही चीज ना रहे तो हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर बात करेंगे कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 19 अगस्त को ही हर बार सेलिब्रेट किया जाए, इस बार सेलिब्रेट किया गया आप याद रखना, क्योंकि जितने भी ट्राइफाइड के सेंटर्स थे उस पर सेलिब्रेट किया गया 18 अगस्त को, उसके जितने भी आप बोल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, बट अगर बात करें कि उस सेंटर्स के अपार्ट फ्रॉम कि इंडिया में कैसे सेलिब्रेट किया गया वो 19 अगस्त, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि वर्ल्ड हनी बी डे कब मनाया गया, 19 अगस्त 2017 को। पहले यहां पर बात करता हूं मैं ट्राइफेड की, जिसकी फुल फॉर्म है दैट इज स्टैंड फॉर ट्रिपल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगेन आई विल रिपीट, ट्रिपल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली इसका उद्देश्य ये होता है कि जितने भी व्यक्ति ट्रिपल से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो कि हनी बी पे डिपेंडेंट है, उनके लिए उनको रेगुलेट करना, यूं कह सकते हैं कि उनके फ्यूचर को सेव करने के लिए वर्क करना, और यूं भी हम कह सकते हैं कि जो भी फॉरेस्ट वगैरह होता है और गवर्नमेंट के बीच में, जो भी फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है, या नट शैल आप बात करें तो एक नेशनल एजेंसी है जिसका कार्य है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए वर्क करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हनी बी डे कब मनाया गया, दैट इज 19 अगस्त 2017 को। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है पर्टिकुलर डे उसकी थीम क्या है, सेव इंडियन हनी बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मधुमक्खियों को बचाना, भारतीय मधुमक्खियों को बचाना। और यहां पर जो बात की गई है ट्रिबल की बात की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर जो बनती है उसके मिनिस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, दैट इज जोआल ओरम। 2014 के लोकसभा चुनावों में इन्होंने जहां से विजय प्राप्त की थी या जहां से चुनाव जीता था, या बोल सकते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, वो है सुंदरगढ़, दैट इज उड़ीसा में है। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूछी जाती है। अगर इसके अलावा भी फैक्ट हम याद रखेंगे, ट्राइफेड कब बना था, दैट इज 1987 में बना था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहां पर हो चुके हैं। और पर्टिकुलर यहां पर बोलूं वेटेज की बात करूं कि इन फैक्ट्स में सबसे ज्यादा वेटेज क्या रहेगी, तो पर्टिकुलर डे याद रखिएगा कि किस डे पे मनाया गया, सेकंड थिंग उसकी थीम क्या है, थर्ड थिंग यहां पर बात करते हैं कि मिनिस्टर ऑफ ज्वाल ओरम, और उनकी बात करेंगे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी बात करेंगे तो सुंदरगढ़। यहां से चार पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखे क्या क्या पॉइंट्स थे, तो यहाँ ट्राइफेड से रिलेटेड एवरीथिंग इज क्लियर, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री और हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया गया है। एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये होगी कि दिस ईयर हनी बी डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड और सेलिब्रेटेड ऑन 19th ऑफ अगस्त, ये आगे पीछे हो सकता है, सो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो डेफिनेटली विद द ईयर पूछा जाएगा, और जब विद द ईयर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि किस किस दिन में, कहां कहां, कब कब, किस किस साल में इसको ऑब्जर्व किया गया, सेलिब्रेट किया गया। चलिए देखते हैं व्हाट वुड बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंटर्ड इंटू एन अग्रीमेंट विद बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस एंड चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस और चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। सो यस, समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, एन अग्रीमेंट। यहाँ पे एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन की बात आई है निकल के, और किस तरीके से यहाँ पे यूनियन बैंक सामने आ रहा है, बजाज अलियांस के साथ और चोला मंडलम के साथ। कुछ दिनों पहले ये ऑलरेडी चोला मंडलम बना हुआ था हेडलाइंस में, आज एक बार फिर है यूनियन बैंक के साथ। क्या क्या फैक्ट्स होंगे इन तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, और किस तरीके से रखना है आपको याद, चलिए जानते हैं जीए गुरु से। बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर तो एक बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सामने आया है, क्योंकि यहाँ मैं एक वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बैंक का इंश्योरेंस।
बैंक का इंश्योरेंस, क्या बोल सकते हैं आप कि जब भी कोई भी बैंक जब इंश्योरेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करता है तो उस पर्टिकुलर सर्विस का नाम दे दिया जाता है बैंक का इंश्योरेंस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, रिपीट होता ही रहा है कि बैंक का इंश्योरेंस मींस क्या होता है। तो याद रखें कि जब बैंक अपने ही काउंटर से इंश्योरेंस की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बैंक का जो कोर फंक्शन होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, अपार्ट फ्रॉम इसके जो भी कार्य करेगा उस पर्टिकुलर सर्विस को नाम दिया जाएगा। तो जो कोई बैंक इंश्योरेंस सर्विस देगा, बैंक बैंकिंग सर्विस प्लस इंश्योरेंस सर्विस इज कॉल्ड द बैंक का इंश्योरेंस सर्विस। यहां पर अगर बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करेंगे, जैसे बैंकिंग के अंतर्गत टैग करेंगे, टेक्निकल एरर थोड़ा, तो यहां पर याद रखिएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एग्रीमेंट साइन हुआ है बजाज जनरल इंश्योरेंस के साथ, अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। यूं कह सकते हैं कि आपको मोटर व्हीकल की जब सर्विस प्रोवाइड करती है, हेल्थ का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो बहुत सारे इंश्योरेंस भी देते हैं। बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि इन दोनों ही जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी, दो नाम लिखे हुए हैं, इनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे वो सारे यूनियन बैंक के द्वारा भी सेल किए जाएंगे। याद रखेगा कि इन दोनों ही इंश्योरेंस कंपनीज के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने काउंटर से सेल करेगा, उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है कि अगर बेसिकली इन दोनों के बारे में भी याद रखें तो दोनों की ही स्थापना 2001 में हुई थी, चाहे बजाज अलायंस की बात करें चाहे चोला मंडलम की बात करें। चोला मंडलम की बात करते तो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और बजाज अलायंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इतने ही फैक्ट्स इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर बात हुई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। फाउंडेड की बात करेंगे तो वो हुआ था 11 नवंबर 1919, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा 11 नवंबर 1999। टैगलाइन की बात करते हैं, गुड पीपल टू बैंक विद, क्योंकि ऑलरेडी हम टैगलाइन बैंक की शेयर कर चुके हैं, वीडियोस पे भी बन चुका है दोस्तों, वहां से आप सारे बैंक की टैगलाइन भी देख सकते हैं। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टैगलाइन आती है बैंक में, एक एग्जाम में जो भी बोल सकते हैं आपके लिए टैगलाइन और हेडक्वार्टर का क्वेश्चन फ्रेम होता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे एमडी और सीईओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, दैट इज राज किरण राय जी। अगेन ये एक बात यहां से शेयर करूंगा कि ये न्यू अपॉइंटमेंट है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का न्यू अपॉइंटमेंट है, इनको भी याद रखना कि एमडी एंड सीईओ कौन बने, द आंसर इज राज किरण राय जी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, तो बात करें यहाँ डेफिनेटली बहुत सारी कमेंट्स आ भी रहे आप सभी के रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पॉइंट्स, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपका इंटरेक्शन इस तरीके से जो बना होता है दैट इज रियली नाइस। यहाँ एक क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ की क्लासेस से रिलेटेड जो आया है, एज सच दैट इज नॉट सो रिलेटेड विद दिस करंट अफेयर सेशन, बट येस इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईबीपीएस की क्लासेस आपके लिए शुरू हो रही है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, डेफिनेटली शाम के टाइम पे, आफ्टरनून टाइमिंग इसको कहा जा सकता है, 3 o'clock से 3 o'clock इंग्लिश, देन यू विल बी हैविंग मैथ्स एंड रीजनिंग के सेशंस लगातार में, सो ये आपके आईबीपीएस पीओ की कराएंगे। साइड बाय साइड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबीज इन द मॉर्निंग, आईबीपीएस पीओ की क्लासेस आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक चलेंगी, सो कंटिन्यूअसली आपको करना ये है, हमारे साथ बने रहना है, सो दैट यू कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर डेफिनेटली, राइट। चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन। बेंगलुरु बेस्ड सोशल एजुकेशन स्टार्टअप मैक्शेला ट्रस्ट हैज लॉन्च द मैक्शेला ऑफलाइन मोबाइल एप्लीकेशन। बेंगलुरु स्थित सामाजिक शिक्षा स्टार्टअप मैक्शेला ट्रस्ट ने मेकशाला ऑफलाइन मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। सो बात करें यहाँ किस तरीके से होता है एक पर्टिकुलर ऐप की लॉन्चिंग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे जुड़ा हुआ, तो आपको करना है सिर्फ इतना कि यहाँ पे ऐप का नाम याद रखना है, इसके अलावा इसका एम क्या था वो सारी चीजों पे लुक आफ्टर करना है। बेंगलुरु बेस्ड है सोशल एजुकेशन स्टार्टअप मेकशाला ट्रस्ट या मैक्शाला, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होंगे इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन से जुड़े हुए बताएंगे जी गुरु, तो चलते हैं उन्हीं की तरफ। अगर बात करें तो डिजिटल से तो आप भी कनेक्ट हैं, हम यूट्यूब के थ्रू जो जुड़े हुए हैं वो आप देख रहे हैं कि इंडिया इस टाइम मूव कर रहा है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। इवन अब एक तरीके से आप देखिए कि एक व्यक्ति वो फेस टू फेस कम इंटरेक्ट होता है, वो डिजिटल ज्यादा मूव करना पसंद करता है, यूं कह सकते हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू, यूं कह सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो उसमें ही एक गवर्नमेंट है, कर्नाटक का गवर्नमेंट है, उसने एड ऑन किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका बेसिकली पर्पस क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पर्पस सिर्फ इतना है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो एप्लीकेशन के द्वारा, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, वो इंटरेक्ट हो सके। बेसिकली बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टैग इन दी टेक्नोलॉजी, और अगर बात करें यहां पर कि पर्टिकुलर किसने लॉन्च किया है, वो है मेकशाला ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है, पर्टिकुलर ट्रस्ट का नाम है मेकशाला, जो कि एजुकेशन स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य होता है एजुकेशन को एनहेंस करना। सेकेंड थिंग बात करते हैं एप्लीकेशन
कौन सी है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है और बहुत बार पूछा जाता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन है मेघसाला ऐप। दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझने वाली है आपके लिए कि मेघसाला ऐप का पर्पज क्या रहेगा। उसका पर्पज रहेगा कि जो आपके स्कूल में सारी सर्विसेज मिलती है वो आपको सारी ही एप्लीकेशन पर मिल जाए। 2500 टू टीच किट, याद रखो एग्जैक्ट बहुत सारा डेटा है, 2500 टीच किट होंगी जो कि मेघसाला एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगी। इसके दो कंपोनेंट रखे हैं, एक रहेगा स्टूडेंट के लिए, एक रहेगा टीचर्स के लिए। स्टूडेंट्स को जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम टीचर्स के लिए लेक्चर मिलेंगे, वो स्टूडेंट के लिए विजिबल नहीं होंगे। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट को भी देखें और टीचर्स को भी देखें, स्टूडेंट पहले ही पढ़ के आ रहे हैं सर बाद में समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। दो कंपोनेंट रहेंगे, टीचर्स के लिए अलग रहेगा, स्टूडेंट के लिए अलग रहेगा। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए नहीं है। यहां पर बात करेंगे जो मेघसाला ट्रस्ट है ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इवन किसके अंडर में, तो ये सपोर्ट किया जा रहा है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। वहां के ट्रस्टी है वीआर मेहता, एग्जैक्ट नाम याद रखना कि मेघसाला ट्रस्ट को सपोर्ट कौन कर रहा है, दैट इज टाटा ट्रस्ट, और उसके ट्रस्टी है वीपी मेहता। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा कर्नाटका, क्योंकि बेंगलुरु में लॉन्च हुई है। एग्जैक्ट याद रखना कहां पर लॉन्च है, बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। सीएम सिद्धारमैया, गवर्नर की बात करते हैं वाजू भाई रूदा भाई वाला। हमने ये रिपीट इसलिए क्या, क्योंकि आपको जितना भी हो सके डेटा रिपीट होता रहे, जितने भी फैक्ट एंड स्टैटिक वो आप लर्न भी करते रहे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो बहुत सारे स्टूडेंट टाइप करते हैं पर कुछ रिव्यूअर्स जो कि हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो ऐसा होता है कि टाइप नहीं कर पाते, वो कहते सर हमको तो पहले निकल चुका है हमारा, तो क्यों ना भैया उनके लिए भी थोड़ा रिपीट किया जाए। तो थोड़ा इसलिए है कि कर्नाटका की कैपिटल, सीएम और गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहे। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे जल्दी से बढ़ते अगली हेडलाइन की तरफ, क्योंकि यस ईच एंड एवरी हेडलाइन इज इम्पोर्टेंट, सो यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस एंड लुक अपॉन टू ईच एंड एवरी वर्ड प्रोवाइडेड इन दिस सेशन, राइट। डॉक्टर नंद कुमार जयराम, सीईओ चेयरमैन एंड ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स इंडिया, हैज बीन अवॉर्डेड द हेल्थ केयर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। भारत के कोलंबियाई एशियाई अस्पताल के अध्यक्ष और समूह मेडिकल निदेशक सीईओ डॉक्टर नंद कुमार जयराम को हेल्थ केयर पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो यहाँ पे बात हो रही है अचीवमेंट की, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। नंद कुमार जयराम का नाम यहाँ पे निकल के आया है, जो कि एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। डॉक्टर जयराम सीईओ है, चेयरमैन है, ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर है कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल के। उनको अवार्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है हेल्थ केयर पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से। डेफिनेटली दिस इज फॉर 2017, यस, लेकिन क्या क्या फैक्ट्स होंगे और किस तरीके से इस न्यूज हेडलाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल ग्रुप को किस तरीके से याद रख सकते हैं, चलिए जानते हैं जीए गुरु से। देखिए दो टाइप के अवार्ड होते हैं, एक अवार्ड है कि वो हर साल होता ही, ऑर्गेनाइज होता ही। कुछ अवार्ड्स होते हैं कि जो समटाइम ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि बात करें नोबेल प्राइज हर साल हो नहीं, तो दोस्तों वहां इंपॉर्टेंट बनेगा पर्टिकुलर नोबेल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, मैक्सिमम कितने पर्सन को दिया जाता है। बट कुछ ऐसे अवार्ड होते हैं जैसे लाइक बोल सकते हैं पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हेल्थ केयर, तो यहाँ पर क्या होता है इस अवार्ड का आपको सिर्फ याद रखना है किस व्यक्ति को दिया गया। बट थोड़े एडिशनल फैक्ट और हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम की जिसके द्वारा दिया गया है, हम इसे ट्रैक करेंगे। जैसा कि मैम ने भी आपके साथ बोला कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में अवार्ड को जो नाम है वो रहेगा फिक्कीज हेल्थ केयर पर्सनालिटी अवार्ड, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है हेल्थ केयर पर्सनालिटी अवार्ड, उसने ही ऑर्गेनाइज किया है, उसी के नाम पर ये अवार्ड। एग्जैक्ट अवार्ड का नाम याद रखिएगा, किस व्यक्ति को दिया गया, नंद कुमार जयराम को, जो भी कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में एमडी एंड सीईओ। सेकंड थिंग, ये अवार्ड दिया किस पर्पज से जाता है, मतलब कि देने का उद्देश्य क्या है, तो जो भी हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर स्पेस है, वहां पर अच्छे कार्य के लिए या बोल सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे वर्क के लिए इनको दिया जाता है, या इवन हर व्यक्ति जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्क करता है उनमें से सेलेक्ट किया जाता है। ये अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था, इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था, वो था 2009 से। तो यहाँ पर सेकंड थिंग आपके लिए साथ मैं शेयर करूंगा वो फैक्ट करूंगा, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर अवार्ड की बात करें तो अवार्ड का नाम और किसको दिया गया वो इंपॉर्टेंट बनेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पर फिक्की के एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म रहेगी। बेसिकली ये इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेस का काम कर सकता है, यूं कह सकते हैं मीडिएटर का वर्क करता है, क्योंकि फाउंडेड हुआ था 1927 में, और एग्जैक्ट इनके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा पंकज पटेल। हेडक्वार्टर रहेगा इसका न्यू दिल्ली इंडिया में, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आती है उसका नाम आता है तो उसका फाउंडेड कब हुआ था, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, सेकंड थिंग उसका की पर्सन कौन है, यूं कह सकते हैं एमडी सीईओ प्रेसिडेंट जो भी होते हैं, और थर्ड थिंग आता है उसका हेडक्वार्टर। इवन आप खुद भी एक तरीके से ये जो हम एक सैंपल आपको देते हैं या कह सकते हैं तरीका हम आपको बताते हैं, या आप खुद भी अपने से फॉलो करके देखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है उसके तुरंत फाउंडेड लिखिए कि कब फाउंड हुआ था, उसके की पर्सन कौन है पर्टिकुलर जिस पोजिशन पे जो हेड होता है, थर्ड थिंग उसका हेडक्वार्टर क्या है, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम
होते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, लेट्स क्विकली मूव अपॉन टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड लेट्स लुक अपॉन व्हाट इज दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वन। एक्सिस बैंक हैज लॉन्च न्यू स्कीम शुभ आरंभ होम लोन। एक्सिस बैंक ने शुभ आरंभ होम लोन स्कीम की शुरुआत की। सो बात अगर यहाँ पे देखें तो अगेन एक लॉन्चिंग की बात हो रही है। एक्सिस बैंक का नाम आ रहा है यहाँ निकल के, शुभ आरंभ होम लोन। सो डेफिनेटली घर बनाना अब हो जाएगा थोड़ा सा और आसान, क्योंकि जब एक नई स्कीम की बात आती है और नई लॉन्चिंग की बात आती है और किसी बैंक की तरफ से आती है, सो डेफिनेटली कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के उसको डिजाइन किया जाता है। क्या है शुभारंभ होम लोन, किस तरीके से एक्सिस बैंक की इस न्यूज हेडलाइन को रखा जा सकता है याद, चलिए चलते हैं जीए गुरु की तरफ। पर्टिकुलर बात कर रहे थे कि स्कीम है उन व्यक्तियों के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं, शुभारंभ होम लोन स्कीम। यहाँ पर बात की जाएगी कि देखेंगे कैसे कैसे इसके फैक्ट रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ होगी उन लोन की बात जो कि 20 साल से ज्यादा टाइम के हैं। फर्स्ट याद रखना है कि किस बैंक ने लॉन्च किया, बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, स्कीम का नाम क्या है, पर्टिकुलर जो लोन स्कीम है होम लोन स्कीम है शुभ आरंभ होम लोन स्कीम। अगर मैं बोलूं कि डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर यही पूछता है कि शुभ आरंभ या जो भी आरंभ होम लोन स्कीम है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई, तो आंसर रहेगा एक्सिस बैंक के द्वारा। यहाँ पर लोन की बात की गई 30 लाख रुपए की और वेव किया जाए 30 लाख 20 लाख या बोल सकते हैं मोर देन 20 लाख रुपीज के लोन की यहाँ पर बात की गई है। उन व्यक्तियों की इंस्टॉलमेंट वेव कर दी जाएगी या उन व्यक्तियों की इंस्टॉलमेंट को 12 इंस्टॉलमेंट ईएमआई को कम कर दिया जाएगा जो लगातार टाइम टू टाइम ड्यू डेट पर इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। याद रखिएगा कि यहां पर मोर देन 20 ईयर की बात की गई है कि अगर चार साल में जैसे चार ईयर कंप्लीट होंगे, फोर ईयर कंप्लीट होंगे तो चार इंस्टॉलमेंट वेव, फिर एट ईयर पे जाकर फिर फोर इंस्टॉलमेंट वेव और ट्वेल्थ ईयर पे जाकर फिर फोर इंस्टॉलमेंट वेव हो जाएंगी, बट होंगी तभी आपको चार साल तक लगातार अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही अप टू एट ईयर आपको लगातार अपनी जो भी इंस्टॉलमेंट रहेंगी वो पे करनी पड़ेगी। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पर एक ये है कि 12 इंस्टॉलमेंट आपकी खत्म हो जाएगी, 12 इंस्टॉलमेंट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप 12 साल तक चार आठ और 12 साल तक जो रहेंगे टाइम रहेंगे उस टाइम तक अपनी इंस्टॉलमेंट लगातार पे करते रहेंगे, तो यू कह सकते हैं कहीं ना कहीं कस्टमर को थोड़ा लालच देने के लिए जिससे कि वह अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सके और बैंक का लोन भी समय पर चुकाता रहे, इसलिए यह सर्विस को लॉन्च किया गया, इस पर्टिकुलर शुभारंभ होम लोन स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहां पर बात करेंगे हम एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि उसी के द्वारा यह सर्विस लॉन्च की गई है। अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंक का नाम आया, फिर मैं आपसे बोलूंगा फाउंडेड की पर्सन हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट बनेगा। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, एस्टैब्लिश हुआ था 1993 में यूटीआई से, और बात करते हैं सीईओ शिखा शर्मा है। हेडक्वार्टर की बात करें, उसके मुख्यालय की बात करें, हेड ऑफिस की बात करें तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और दोस्तों यहां पर अगेन एक और बैंक है तो उसकी टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि अभी हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की देखी थी, गुड पीपल टू बैंक विद, एक्सिस बैंक की आई बढ़ती का नाम जिंदगी है। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ती का नाम है, बुढ़ापे का नाम जिंदगी नहीं है, तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाइएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन बनती है आपके लिए। मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो निकल के आया कि ईएमआई, बेसिकली ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने टाइप ऑलरेडी कर दिया है लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो दैट स्टैंड्स फॉर बेसिकली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, राइट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो की एक पार्टीशन ऑफ अमाउंट होता है। सो ये एक छोटी छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनको बिल्कुल आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको डिस्कस कर सके बिल्कुल आप सभी के साथ। चलिए देखते हैं व्हाट कुड बी द नेक्स्ट हेडलाइन। सो लेट्स लुक अपॉन एंड लेट्स मूव ऑन टू द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट हेडलाइन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च स्वच्छ उत्तर प्रदेश कैंपेन इन गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश, यस इट इज स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश कैंपेन की शुरुआत की, अभियान की शुरुआत की गोरखपुर से की, राइट। तो यहाँ पे तीन बातें निकल के आई हैं उत्तर प्रदेश, राइट। उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ एक और इनिशिएट स्वच्छ उत्तर प्रदेश का, स्वस्थ उत्तर प्रदेश का, इसके बाद आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। तो सारे के सारे फैक्ट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अब क्या इस फैक्ट्स होंगे, किस तरीके से इस न्यूज हेडलाइन को रखा जा सकता है याद, और क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिन पे बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो लेट्स मूव ऑन टू जीए गुरु और देखते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन के फैक्ट्स। अगर पर्टिकुलर बात करें तो स्वच्छता अभियान की तरफ, या यूं कह सकते हैं कि हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, या यूं कह सकते हैं कि जो मोदी
मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत अभियान उसी में ही एड ऑन किया गया है। पर्टिकुलर बात करेंगे कि किस स्टेट के द्वारा किया गया है और किस पर्पज से किया गया, तो एग्जैक्ट पर्पज इस डेवलपमेंट ही है कि देश का विकास हो। तो पर्टिकुलर न्यूज को हम सभी को जिसमें भी टैग करना है वो रहेगा डेवलपमेंट। और दोस्तों यहां पर बात करेंगे किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, स्कीम को लॉन्च किया गया, और उसका नाम रहेगा स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश, एग्जैक्ट नाम याद रखना है। और ये लॉन्च हुआ है गोरखपुर से, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 2014 के लोकसभा चुनावों में। पर्टिकुलर इसका पर्पज ये है कि जो भी व्यक्ति इंसेफेलाइटिस के द्वारा, ये पर्टिकुलर एक बीमारी होती है, इसके द्वारा जो भी होता है अगर जिनकी डेथ होती है उन व्यक्तियों को ओवरकम किया जाए या उन व्यक्तियों को स्वच्छता के द्वारा कम किया जाए। ऐसा होता क्या है कि जब भी बीमारी होती है, इस पर्टिकुलर बोला गया है कि जो ये बीमारी है ये अधिकतर गंदगी के द्वारा होती है, गंदगी के द्वारा फैलती है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, दैट इज स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश। क्योंकि यहां पर एक तरीके से बोला गया है कि रूरल एरियाज जो रहेंगे वहां पर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे टॉयलेट, और उनका नाम रखा गया है कि अगर बोल सकते हैं उनके लिए पर्टिकुलर बोला गया है कि इनके 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब कि एक इनिशिएटिव देखिए कि जो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है वो स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश, और उसमें एक चीज और बोली गई कि हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे अगर रूरल एरियाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं वो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब कि बोल सकते हैं कि भाई मेरे बिना लालच के तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसा काम नहीं करते, या यूं कह सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है तो उन्हें एक तरीके से मिलता है कि हाँ भाई हमें एक बैक मजबूत हो रही है जिससे कि हम एक तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये होता क्या है कि अधिकतर व्यक्ति लैक ऑफ मनी के कारण ही कार्य नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट ने स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश लॉन्च किया, स्कीम लॉन्च करी है, या बोल सकते हैं कि एक जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मोदी जी के कार्य में ही एक तरीके से बढ़ावा दिया गया है, उसके अंतर्गत रूरल एरिया के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्ट होंगे टॉयलेट उसमें 12,000 रुपए भी दिए जाएंगे। पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए वो मिनिस्टर जो कि इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से बिलोंग करते हैं, तो आंसर रहेगा जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा, जो कि हिमाचल प्रदेश से है और ये राज्यसभा से है। तो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए यूपी भी, दैट इज कैपिटल बनेगी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, और गवर्नर की बात करते हैं तो राम नायक को ज्यादा ही हाईलाइटेड पर्सन भी रहे हैं ये यूपी में अगर बात करें तो, जो यहां पर सपा गवर्नमेंट थी उस टाइम में। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इस पर्टिकुलर फैक्ट में बोलूं कि सबसे ज्यादा हाई लेवल का क्या रहेगा या बोल सकते किसकी वेटेज सबसे ज्यादा रहेगी, तो पर्टिकुलर इनिशिएटिव की रहेगी स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश। सेकंड थिंग किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, थर्ड थिंग कहां पर लॉन्च हुआ था, और फोर्थ थिंग किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ये रही आपकी पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल अगली हेडलाइन पे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे प्रीवियस टू प्रीवियस न्यूज हेडलाइन का एक डिस्कशन क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आया उसका आंसर यहाँ पे ले लेते हैं। बेसिकली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की, यस द क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी की तरफ से जो निकल के आया था कमेंट बॉक्स में कि फिक्की के प्रेसिडेंट का तो जिक्र हम लोगों ने कर लिया सारी की सारी डिटेल्स में, बट हु इज द सेक्रेटरी जनरल। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 2012 के बाद से अलविंद दीदार सिंह, यस मिस्टर ए दीदार सिंह का नाम यहाँ पे निकल के आया था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट का करंट अफेयर्स लाइव सेशन अगर आप सभी ने देखा हो तो वहां हमने नए अपॉइंटमेंट और रिप्लेसमेंट का जिक्र किया था फिक्की के सेक्रेटरी का। सो मिस्टर संजय बारू इज गोइंग टू रिप्लेस मिस्टर ए दीदार सिंह, राइट? संजय बारू होंगे फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल और फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर से वो अपना पदभार संभालेंगे, जिसका कंफर्मेशन दिया है मिस्टर पंकज पटेल ने। तो अब हो जाती है फिक्की की सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर और सारी की सारी डिटेल्स बिल्कुल कंफर्म कि Who is basically the secretary या secretary general of FICCI? So, नया नाम यहाँ निकल के आएगा संजय बारू का, जो कि definitely एक बड़े ही renowned और versatile personality। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ to the next important headline। United Nation observed 19th August as World Humanitarian Day। संयुक्त राष्ट्र ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया। So again, यहाँ बात हो रही है निकल के क्या? यहाँ बात हो रही है एक और डे ऑब्जर्वेशन की। कुछ देर पहले जब हम लोगों ने वर्ल्ड हनी बी डे का डिस्कशन किया था तब एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया था कि 19 अगस्त को कितने दिन मनाए गए, कौन कौन से दिन थे। तो यस, यहाँ पे आपके सामने दूसरा है, दैट इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जो कि हम कह सकते हैं विश्व मानवतावादी दिवस, राइट? किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ, किस तरीके से ऑब्जर्व हुआ, क्यों है ये डे इम्पोर्टेंट, क्या क्या होंगे इसके फैक्ट्स, चलिए चलते हैं जी गुरु की तरफ और जानते हैं उन्हीं से। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर डे स्टार्ट कब हुआ था फैक्ट पे जाने से पहले, तो ये 2008 से स्टार्ट हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया
उसका पर्टिकुलर रीजन ये था कि इन्होंने श्रद्धांजलि दी थी उन व्यक्तियों को जो कि बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में 22 लोग हैं जो कि मारे गए थे आतंकवादी हमले में। दोस्तों तो याद रखिएगा कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र के बगदाद में जो ऑफिस था उसमें 22 लोग मरे थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया गया और इस डे को 2008 से स्टार्ट किया गया। पर्टिकुलर बात करें तो आज के टाइम में हम बोल सकते हैं लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, तो इस इंसानियत को जगाने के लिए जिससे कि लोग एक दूसरे के लिए कार्य करें, ऐसा ना हो कि बी सेल्फिश वाला कॉन्सेप्ट रहता है वैसे ही रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ कोई देश है जैसे नॉर्थ कोरिया की बात करें वो दूसरे देश पर हमले की बात कर रहा है, इवन आप पाकिस्तान की बात करें वो इंडिया पे बात करता है, चाइना की बात करें। तो आजकल का जो समय चल रहा है वो सिनेरियो चल रहा है वो लोगों में एक तरीके से बोल सकते हैं इंसानियत नाम की तो चीज आपको दिखती नहीं है यार, बट क्या रहा है कल का पता नहीं है तो आज खुश रहकर जीना सीख लो, समय का कुछ नहीं पता, सोने के बाद ये नहीं पता जगेंगे नहीं जगेंगे, तो क्यों ना खुशी खुशी जीना सीखिए। तो उसी के लिए बोलेंगे कि यूनाइटेड नेशन एक कॉन्सेप्ट लाइक डे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर किया है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों में मानवीयता जगह, मानवीयता का भाव जगह, इंसानियत का भाव पैदा रहे। और बेसिकली बात करते हैं इस पर्टिकुलर डे की तो ये 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता हर साल, यहां पर एग्जैक्ट बात कर रहा हूं कि 19 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आज 2017 में, कल नेक्स्ट ईयर 2018 में भी ये 19 अगस्त ही रहेगा। वर्ल्ड हनी बी डे की बात करेंगे वो इस साल 19 अगस्त है, नेक्स्ट ईयर चेंज हो सकता है, बट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की बात करें तो 19 अगस्त को ही ये सेलिब्रेट किया जाएगा। कारण उसका ये है कि 19 अगस्त 2003 को जो व्यक्ति मरे थे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। थीम रहेगी नॉट अ टारगेट, टारगेट ना करिए। अगर ये बात करें तो उन व्यक्तियों को ट्रिब्यूट देना है जिनकी एक तरीके से उन वर्कर्स को ट्रिब्यूट देना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बनेगा यूनाइटेड नेशन के फैक्ट, हम पहले भी शेयर कर चुके हैं अगेन शेयर करेंगे कि फाउंडेड, अगर बात करते हैं यहां पर बात करेंगे इसके अगर हम डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की, तो दोस्तों यहां पर मैं एक चीज करना चाहूंगा कि फाउंडेड में आप एग्जैक्ट 1944 डेट याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक रहा है, तो यूनाइटेड नेशन फाउंडेड हुआ था 1944 में, उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरस, अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए थे ये बान की मून की जगह, और डायरेक्टर से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो कि इनके द्वारा अपॉइंट की गई थी अमीना जे मोहम्मद। देखिए मैं आपको एक चीज बोलूं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आ गई और ये आई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। फर्स्ट पॉइंट हेडक्वार्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट, सेकंड थिंग इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, थर्ड थिंग बात करेंगे फाउंडेड कब हुआ था, हम आपके सारी चीजें शेयर कर चुके हैं आपके साथ कि फाउंडेड हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस जो कि पुर्तगाल से, एग्जैक्ट याद रखना एंटोनियो गुटरस किस कंट्री से, द आंसर इज पुर्तगाल, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो अमीना जे मोहम्मद है ये नाइजीरिया से है। तो सारे ही फैक्ट आपके पर्टिकुलर डे के रिगार्डिंग भी, थीम के रिगार्डिंग भी, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है वो भी आपके आई होप क्लियर होने। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल, तो यहाँ पे फाउंडेशन ईयर डेफिनेटली यू ऑल आर टाइपिंग इट वेरी वेल एंड वेरी करेक्ट 1944। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट हेडलाइन। रियर एडमिरल ट्रेविस सिनाई अपॉइंटेड एज द श्रीलंकन नवल फोर्स, चीफ ऑफ श्रीलंकन नवल फोर्स। रियर एडमिरल ट्रेविस सिनाई को श्रीलंकाई नौसेना बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। So, यहाँ पे बात हो रही है अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट की बात अगर हो रही है सो नाम जो याद रखना है वो है रियर एडमिरल ट्रेविस सिनाई का। श्रीलंका की नवल फोर्स की जिक्र हो रहा है यहाँ, इंडिया का नहीं है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, राइट। तो कहीं भी किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन ना हो इस वजह से इससे जोड़ते हैं हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड फैक्ट्स। तो इस न्यूज हेडलाइन के भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका कर रहे हैं इंतजार, तो चलते हैं जीए गुरु की तरफ और जानते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन को याद रखने का तरीका। श्रीलंका के नवाल चीफ चेंज हुए हैं, तो दोस्तों यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए यू बनेगा क्योंकि तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और यहां पर वो माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी कहेंगे, जैसे कि बोल सकते हैं हर कंट्री में कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं कि जो कि माइनॉरिटी में आती, जैसे बात करें इंडिया में जैन हुए, बुद्धिज्म हुए, बहुत सारी कम्युनिटी हैं जिनकी संख्या कम है। ऐसी श्रीलंका की बात करते तो वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो तमिल आती है, तो वहां के तमिल के सेकंड व्यक्ति बने हैं। तो यहां पर पहले भी कोई रहे होंगे, उनके बारे में हम जरा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पर्टिकुलर बात करते हैं तो श्रीलंका नवाल फोर्स की बात करते हैं, वहां पर अपॉइंटमेंट हुआ एडमायरल का। देखिए यहां पर वर्ड यूज किया गया एडमायरल, यहां पर यह नहीं कहा जाता नेवी के चीफ कौन बने, वहां पर चीफ के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एडमायरल, और जो बने हैं वो ट्रेविस सिनाइया। दोस्तों एग्जैक्ट इनका नाम याद रखिएगा, मैं बोलूंगा इसकी वेटेज कुछ ज्यादा रहेगी एग्जाम में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक, उसकी लेवल की बात करें तो हाई लेवल पर ये रखा जाएगा।
सेकंड बात करते हैं तमिल, ये रहे हैं माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी से, इन्होंने सक्सीड किसे किया है, तो रवि विजय गुण रत्ने को याद रखना। इनसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे रवि विजय गुण रत्ने, थोड़ा नाम टिपिकल है क्योंकि श्रीलंका में मैंने अधिकतर नाम देखे हैं टिपिकली मिलते हैं, बट आई नो आप लर्न कर लेंगे कि किसको सक्सीड किया है। फर्स्ट तमिल की बात करेंगे कि पहले तमिल व्यक्ति कौन से थे, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर पहले लिखा है सेकंड तमिल माइनॉरिटी तमिल कम्युनिटी से त्रविस से नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई तो पहले रहा होगा, तो यहां पर बात करते हैं फर्स्ट तमिल थे राजम कादिर गमर। एग्जैक्ट नाम याद रखना, तीन नाम आ चुके हैं यहां पर, त्रविस सुनैया का भी आ चुका है, किसको सक्सीड किया था रवि विजय गुणरत्ने का नाम आ गया। पहले इनसे पहले तमिल कौन से थे, रवि सुनैया से पहले तमिल व्यक्ति कौन से थे जो नवाल फोर्स को लीड भी कर चुके हैं, तो वो राजन कदर गमर। तो दोस्तों यहां पर ये रहे पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड फैक्ट। अगर बात करते हैं श्रीलंका में अपॉइंटमेंट हुआ तो श्रीलंका की कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट और पीएम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री आती है मैं अगेन बोलूंगा कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट पीएम सारी व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कैपिटल की बात करो रिसेंटली चेंज हुई श्री जयरत्ने जयवर्धने पूरे कोटा, याद रखना कोलंबो नहीं है, दैट इज श्री जयवर्धने पूरे कोटे। करेंसी की बात करें श्रीलंकन रूपी, प्रेसिडेंट की बात करें मैत्रीपाल सिरीसेना और पीएम की बात करें रानिल विक्रम सिंघे। देखिए सर यहाँ पर स्टूडेंट कुछ नाम ज्यादा रहे हैं, पांच नाम आ चुके हैं, तो पांचों ही नाम में से जिसमें से दो नाम तो आपको पहले से भी पता है दैट इज प्रेसिडेंट एंड पीएम। और इनके अलावा बात करें तो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी रहा, त्रविस सुनैया का नाम भी रहा, रिया बोल सके राविन रवि वजी गुरत्रे का भी नाम रहा, रजन कादिर गमर का भी नाम रहा। तो यहां पर नाम जितनी भी रहे उनको नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में या बोल सकते हैं हमारे आने वाले क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ तो देखने को इनसे रिलेटेड मिलेगा। चलिए मूव करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज देखें, कुछ कंफ्यूजन हुआ यूनाइटेड नेशंस के फाउंडेशन ईयर को लेके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, शायद हमने भी गलत बोल दिया वो जल्दीबाजी में, बट यस यहाँ ध्यान ये रखना है दैट इज 1945, 24th of October 1945 इज द राइट ईयर ऑफ द फाउंडेशन ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द फैक्ट्स, राइट। वो होता है आगे पीछे कई बार, बट यू ऑल आर अवेयर एंड यू ऑल नो इट वेरी वेल। सबसे अच्छी बात तो यही होती है 1944 और 1945 में कंफ्यूजन था, सो नाउ होप अब क्लियर हो गया होगा और आप सभी अब अग्री कर रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस के, अच्छा हमने डिटेल्स कई बार पहले भी शेयर किए हैं, सो ये कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है सो डू गेट क्लैरिटी अबाउट दैट। यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन ईयर इज 24th October विद द डेट दैट इज 1945, राइट। चलिए इन्हीं सारे फैक्ट्स के साथ, इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ, लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट, क्योंकि अब करेंगे डिस्कस हम लोग हर एक हेडलाइन से बनने वाले क्वेश्चन को, क्या होंगे, किस तरीके के पॉइंट्स होंगे और किस तरीके से कर सकते हैं आप आंसर। सो लेट्स प्रोसीड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यस क्वेश्चन के आंसर्स पे मोहर लगाने के लिए आएंगे जीए गुरु हमारे साथ, सो लेट्स वेलकम हिम ऑन द स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन अप विद द क्वेश्चन आंसर। सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम्ड फ्रॉम द फर्स्ट हेडलाइन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज रशिया न्यू एम्बेसडर टू इंडिया, भारत में रूस के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, निकोले कुदाशेव, निकोलाई पेगवॉव, अलेक्जेंडर कदाकिन, एंटोली द्रुकेव या विक्टर इसाको। सो नाम कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, बट यस अगर ध्यान रखें तो पहला अपॉइंटमेंट जो आज हमने शेयर किया, क्विकली कमेंट बॉक्स में टाइप करें जीए गुरु से पूछते हैं, ऑप्शन नंबर वन आना स्टार्ट हो चुका है निकोले कुदाशेव, तो क्या इस पे मोहर लगाई जाएगी। बिल्कुल मैं मोहर लगाई जाएगी, कंफ्यूजन सिर्फ फर्स्ट एंड थ्री ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि अलेक्जेंडर कदाकिन को इन्होंने रिप्लेस किया है जिनकी डेथ हो चुकी थी, तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर वन और बिल्कुल उसी के साथ जाना चाहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द कलर ऑफ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड 50 रुपी नोट बैंक इन महात्मा गांधी न्यू सीरीज, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में हाल ही में शुरू किए गए 50 रुपए के नोट का रंग क्या होगा, स्काई ब्लू, स्टोन ग्रे, फ्लोरेसेंट ब्लू, रे ब्लू या मजेंटा। तो बात अगर करें यहाँ सो कलर से रिलेटेड है डेफिनेटली, यस कहीं ना कहीं स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जल्दी से टाइप करके बताएं द कलर ऑफ न्यू 50 रुपी नोट न्यू सीरीज का कलर क्या होगा, एंड यस समहाउ वी आर गेटिंग द आंसर जीए गुरु, ऑप्शन नंबर थ्री फ्लोरेसेंट ब्लू सही है कि नहीं। बिल्कुल मैम इतना ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसका तो गलत आंसर होना भी नहीं चाहिए फ्लोरेसेंट ब्लू, क्योंकि स्टोन ग्रे तो बात करते 500 के नोट का कलर था, मजेंटा तो बात करें तो वो 2000 रुपीस के नोट का कलर था। चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज ट्राइफेड एज वर्ल्ड हनीबी डे, जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ने कौन सा दिन विश्व हनी दिवस के रूप में मनाया है,
क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा, ये सही तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि 2017 में ट्राइफीड ने किस दिन वर्ल्ड हनीबी डे को सेलिब्रेट किया, 27 अगस्त, 29 अगस्त, 17 अगस्त या 18 अगस्त। तो यहाँ पे अगेन फिफ्थ ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सो डेफिनेटली यस, यहाँ बिल्कुल थोड़ा वो नीचे छुप गया है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट यस आप सभी को आंसर पता है 19th अगस्त ही होगा फिफ्थ ऑप्शन में, एंड 19th अगस्त वुड बी द राइट आंसर, बट यस जी गुरु यहाँ पे क्या कहेंगे, आंसर दिख नहीं रहा पर फिर भी सही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल 19 अगस्त के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि वो नीचे ही छुपा हुआ है, थोड़ा हाइड एंड सीक आपके साथ खेल रहा है, बट कोई नहीं, आपको तो राइट आंसर पता है, दैट इज राइट आंसर इज 19 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which bank has entered into an agreement with Bajaj Allianz General Insurance and Chola Mandalam MS General Insurance for distribution of their insurance products? किस बैंक ने अपने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए Bajaj Allianz General Insurance और Chola Mandalam MS General Insurance के साथ समझौता किया? Central Bank of India, State Bank of India, United Bank of India, Union Bank of India. So yes, let's see particular किस बैंक का नाम आता है, और होप यहाँ आज हेडलाइंस में, आज सेशन में हमने दो बैंक्स को इंक्लूड किया था, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, एक लॉन्चिंग के तहत था, एक एग्रीमेंट के तहत था, सो यस समहाउ वी आर गेटिंग द राइट आंसर। अगर मैं बात करें तो फिर अगेन वही हुआ है, ऑप्शन नंबर 5th है, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हम खुद बताना चाहें, स्टूडेंट भी कमेंट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट कर दिए हैं कि सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया is the right answer, क्योंकि हमें देखिए याद पर्टिकुलर जो मोटिव ये है, ये मोटिव नहीं है कि ऑप्शन नंबर 5th दिख रहा है, हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि जितने क्वेश्चंस हुए आपके सामने, न्यूज रही, वो क्वेश्चन भी आपके क्लियर है, पर्टिकुलर न्यूज भी आपको हिट कर रही होगी, तो आई होप याद रखेगा यहां पर राइट आंसर बनेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ अगेन ब्लिंकिंग भी गलत हुई है, सो डू अवॉइड इग्नोर दैट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, लेट्स प्रोसीड। Dash based social education startup Mekshala Trust has launched the Mekshala offline mobile application. Dash स्थित सामाजिक शिक्षा स्टार्टअप मेघशाला ट्रस्ट ने मेघशाला ऑफलाइन मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की, हिसार, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता। सो अगेन आंसर की अगर हम बात करें, सो क्विकली टाइप योर आंसर्स, लेट्स सी पर्टिकुलर इंग्लिश गुरु जुड़े हुए कमेंट बॉक्स में हमारे साथ, तो उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग बना हुआ है आप सभी के साथ, तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा आपका पर्टिकुलर, किस बेस सोशल एजुकेशन ने पर्टिकुलर लॉन्च किया है, बेंगलुरु आना शुरू हुआ है, तो जी गुरु क्या कहेंगे सही है या नहीं? बिल्कुल मैम, राइट आंसर बेंगलुरु है, क्योंकि वहीं पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इजीली आप इसे टिक भी कर सकते हैं कि कर्नाटका से, आपको याद हो तो इजीली कि कर्नाटका का स्टेट को सिटी कौन सा, दैट इज बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 2 को डिक्लेयर करते हैं एज द राइट आंसर, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of President of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम क्या है? पंकज पटेल, जयप्रकाश, कार्तिक राणा, अनिल गोपाल या राहुल वर्मा? So definitely right answer की अगर हम बात करें, so quickly type it in the comment box and tell us, President of FICCI की बात हुई है, newly appointed Secretary General का नाम हम लोग already discuss कर चुके हैं, but यहाँ पे बात अगर हो रही है President की, so yes somehow answer आना शुरू हुआ है यहाँ पे, तो जीए गुरु से पूछे क्या ये सही है, that is option number 1, पंकज पटेल। बिल्कुल मैम, आपने Secretary General तो already discuss कर लिए हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनका पूछा गया वो FICCI के President कौन है, और President उनके पंकज पटेल बने हैं, तो वो भी हमारे लिए important बनता है, right answer is option number 1, that is Pankaj Patel. चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं what is the next question. Which bank has launched new scheme Shubharam Home Loan? किस बैंक ने नई योजना शुभारंभ होम लोन की शुरुआत की? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या देना बैंक? सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम बात करें तो द सेकंड बैंक विच वॉज इंक्लूडेड इन द सेशन, सो पर्टिकुलरली लेट्स लुक अपॉन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या देना बैंक। सो यस समथिंग राइट आंसर यहाँ आना शुरू हो भी चुका है, तो जीए गुरु से पूछते हैं ऑप्शन नंबर 4 एक्सिस बैंक राइट है या नहीं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल राइट आंसर है, इंग्लिश गुरु भी लगातार बने हुए हैं सभी स्टूडेंट के साथ, तो दोस्तों बात करें एक्सिस बैंक, बिल्कुल सही आंसर है, शुभ आरंभ होम लोन स्कीम एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई, जिसके अंतर्गत उनकी 12 EMI है, दैट इज इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो उनकी वेव कर दी जाएंगी। बेसिकली अगर बात करें इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, तो इक्वल वर्ड आ रहा है कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेंगी वह सिर्फ एक अमाउंट की रहेंगी, इक्विटेड मंथली मासिक तौर पर एक किस्त, मतलब कि समान रूप से एक किस्त बनाई गई है, इसलिए बोलते हैं इक्विटेड
100 monthly installment. Definitely. So, chaliye dekhte hain what is the next question. What is the name of Governor of Uttar Pradesh? Uttar Pradesh ke Rajyapal ka naam kya hai? The starting question. Jagdish Mukhi, Padmanabha Acharya, Banwari Lal Purohit, E.S. Lakshmi Narasimha, E.S.L. Narasimha ke naam se jo prachalit hai, ya Ram Naik? So let's see who is the governor of Uttar Pradesh. Directly ye pucha ja sakta hai aapse. So let's see particular the right answer from your side. Aur answer aana shuru ho bhi gaya hai. Undoubtedly the correct one would be yes, option number 5, Ram Naik. बिल्कुल मैम, आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में. मैक्सिमम स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर के साथ जा रहे हैं. द राइट आंसर इज राम नायक. चलिए तो देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व डैश अगस्त एज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन, अगस्त के किस दिन को विश्व मानवता दिवस, मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया? 14, 15, 19, 18 या 12? सो डेफिनेटली द राइट आंसर वुड बी द करेक्ट वन फ्रॉम योर साइड. लेट्स लुक अपॉन टू द आंसर. जी गुरु से पूछते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा या नहीं. समाउ करेक्ट आंसर आना शुरू भी हो गया है, 19. बट यस, कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं मैम, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि डेज का क्वेश्चन है और इजिली बिल्कुल स्ट्राइक करता है कि पर्टिकुलर डे है वो किस दिन मनाया जाता है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 19th अगस्त. चलिए तो बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर पर्टिकुलर दिस सेशन. Who has been appointed as the chief of Sri Lanka's naval forces? किसे श्रीलंका के नौ सेना बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्रैविस सेनाई, रवि विजिगुटरो, मैत्री पाला श्री सेना, राजन कदिर गामर या रानिल विक्रम सिंघे? So, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण नाम है श्रीलंका से जुड़े हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर. बट यस, यहाँ हम पूछ रहे हैं द नवल फोर्सेस के चीफ. बिल्कुल, तो किसको अपॉइंट किया गया है? लेट्स लुक ओवर टू द आंसर. और यहाँ बात आ रही है, जी गुरु भी देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 ट्रेविस सिने का आंसर कैंडिडेट्स ऑलरेडी टाइप कर रहे हैं. बिल्कुल मैम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1. वही फर्स्ट सेकंड तमिल बने, उनसे पहले एक तमिल बन भी चुके हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में उनका नाम दे रखा है. तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि वह श्रीलंका के वाइस नेवल चीफ कौन बने, तो मतलब कि बोल सकते हैं नेवी के चीफ कौन बने, वो बने ट्रेविस सिने. तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और उसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 है. बिल्कुल, तो इसी क्वेश्चन के साथ, इसी आंसर के साथ वी एंड अप दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन. कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल. कहीं मत जाइएगा, आज के दिन में कई सारे इंपॉर्टेंट सेशन जुड़े हुए हैं. खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत. योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू सो मच.